मुंह के कैंसर के बारे में जैसे आप सब जानते हैं कि सबसे मेन ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जरी होती है, और उसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन कहें वो होता है जो फेस में हमारे डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ये डिफॉर्मिटी काफी सिग्निफिकेंट होती है अगर हम पुराने स्टाइल की सर्जरीज करें तो। और अब हमारे पास बहुत नई आधुनिक टेक्निक्स आ गई हैं जिसको माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी कहा जाता है, जिसमें हम बॉडी के किसी भी हिस्से से उसी रंग का और उसी शेप का स्किन और बोन जो रिक्वायर्ड होती है वो हम लेके आते हैं, और प्लास्टिक सर्जन उसको माइक्रोवैस्कुलर टेक्निक्स के द्वारा उसको फेस में एग्जैक्ट फिट या नियर एग्जैक्ट फिट हमारे फेस की दे देते हैं, जिसके बाद कम से कम जो है स्कार रहता है और लॉन्ग टर्म में सर्जरी आपकी फेस की हुई है कि नहीं हुई है ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कुछ केसेस में, इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो ये जो एडवांसमेंट्स है इसकी वजह से अब हमारे जो पेशेंट्स हैं वो सर्जरी के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाने से उनका जो है जो डर है उनका वो चला गया है, और ओवरऑल ये सर्जरी अब काफी अडेप्ट की जा रही है और ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स अब इसको अपने मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट का पार्ट बना रहे हैं।